of the largest five digit number which is divisible by 5, 35, 39 and 65. Sum of the digits बताना है largest five digit number का जो कि divisible हो 5, 35, 39 और 65 से. Take LCM of all given numbers. ठीक है, ये CGL 2020 का question है. सारे जो numbers हैं उनका हमें LCM लेना होगा. 35 में 7 into 5 होता है तो एक तो 7 आ गया, फिर 5 आ गया. LCM क्या होता है? LCM होता है आपका ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर. ठीक है, सो यहाँ से हमें LCM अगर लेना होगा तो 5 का 5 आएगा, 35 का 7 इंटू 5 दे रखा है तो 7 इंटू 5 हो गया सिंपली. 39 में 13 इंटू 3 होता है. ठीक है, 39 इज 13 इंटू 3, सो यहाँ पे 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. एंड 65 देखेंगे, 65 होता है 13, 5 इज 65, तो हम 13 तो पहले ही ले चुके हैं और 5 भी ले चुके हैं, सो दिस विल बी आर LCM. तो हमारा LCM इन सारे नंबर से क्या आया? ये आपका आया 13 से 39, 39 इंटू 7 करेंगे सो ये आएगा 7, 9 जा 63, 7 सी जा 21, 27 इंटू 5 करेंगे ये देगा आपको 2, 2, 3 जा 6, 2, 6 जा 12, 2, 5 जा 10, 1365 जो है आपका LCM आया नंबर का. तो हम अज्यूम करते हैं अब इसमें हमें बताना है ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट. तो ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट जो होगा इट शुड बी मल्टीपल ऑफ दिस LCM. ठीक है, एंड इट शुड नॉट एक्सीड 5×9, है ना, ये ग्रेटेस्ट होगा फाइव डिजिट नंबर में. अब हमें देखना है 1365 को हम अगर 999 इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशेंट क्या आता है. ठीक है, 1365 को अगर हम 7 से जाएं तो 7×5 = 35, 3×7×6 = 42, 5×7×3 = 21, 4×7×7 = 9. हाँ, 7 से जा रहा है पहले, 9455 आ रहा है तो इसमें से हम 999 घटाएंगे तो ये आएगा 4, 4 और 5. 5, 4, 4 आया, ये चार डिजिट्स हमने लाइन के ले लिए, एक और जाएगी अब 9 से. 5499 लिखा है, आप देखते हैं 4 से जाएगा क्या. 1365 अगर हम 4 से ले दो, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 25×26, 4×3 = 12, 14×1 = 4, 5, 5460. 5460 जो है वो बड़ा है आपका 5449 से, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो 3 से मल्टीपल में जाएगा. सो 73 इंटू 1365 जो देगा आपको ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर देगा जो कि इन सब से डिविजिबल होगा. अब 73 इंटू 1365 हमें करना है. 73 इंटू 1365 करेंगे आप इसे जैसे भी जिस तरह की भी कैलकुलेशन आप यूज़ करते हो उससे आप करना, मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से करती हूँ तो उससे मेरा आंसर जो आया था ये था 99645. ठीक है, दिस विल बी योर ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर. अब इसे हमें बताना है कि सम क्या है इन डिजिट्स का, तो सम हम निकाल लेते हैं. 9×2×9 = 18, 3×9 = 27 + 6 हम करेंगे तो सम आया डिजिट्स का 33. ए विल बी योर आंसर हेयर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. द नंबर 823P2Q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 and 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू. देखो जब 7, 11 and 13 से डिविजिबल होता है, ठीक है, तब क्या होता है, देन ईच थ्री डिजिट पे इज रिपीटेड साथ में. मतलब हमारा नंबर जो क्या बनेगा वो इट विल बी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये यानी 7×11×13 से डिविजिबल होगा. अब यहाँ पे 823P2Q लिखा है तो ये भी रिपीटेड, यानी 3-3 के सेट में अगर हम बनाएं तो ये ऐसे बनेगा 823 and P2Q होगा, यानी P की वैल्यू 8 के बराबर होगी और 3 की वैल्यू Q के बराबर होगी.
तो पी माइनस क्यू निकालना है, पी माइनस क्यू यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 8 माइनस 3, दैट इज 5 विल बी योर आंसर हेयर सी ऑप्शन। सीजीएल 2020 का सवाल है। आगे, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिजिबल बाय 5, 21, 16 एंड 8। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो 5, 21 और 16 और 8 से कम्प्लीटली डिजिबल हो। सेम वही मेथड, टेक एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, इन सारे नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 8 का 8 आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। 16 में भी है एक और तो इंटू 2 करना पड़ेगा। 21 में 3 इंटू 7 आ गया और एक 5 आ गया आपका, ठीक है। तो 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू 7 करेंगे तो 8 7 ज़ा 56 एंड 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 करेंगे तो 33 इंटू 5 करेंगे सो ये आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 1680 आपका एलसीएम आ गया इन चारों डिजिट्स का। अब हमें लार्जेस्ट 5 नंबर डिजिट नंबर बताना है, सेम वही मेथड, लेट लार्जेस्ट बी, ये आएगा आपका 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट लिखा होता तो आप 5 डिजिट नंबर, सो आप क्या लेते, आप लेते 1000, ठीक है, याद रखिएगा। सो लार्जेस्ट ये होगा, अब इसे हम डिवाइड करेंगे 1680 से, ठीक है, देखते हैं ये किससे जाता है, 8 6 ज़ा 48 नहीं, 7 6 ज़ा 42 नहीं, 6 6 ज़ा 36, 6 से देख लेते एक बार, 1680 को अगर हम 6 से करें, 6 6 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36, 4 चला गया ऊपर रहा नहीं, 5 से देखते हैं, 5 से जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 8400, ठीक है। तो पहला तो आ गया आपका 5 से गया, क्वोशेंट निकाल रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से क्वोशेंट, फिर उसी से हम इस 1680 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। 8400 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 में से 8400 माइनस किया तो 9951599 आया, ठीक है। अब इसमें हम एक और 9 ऐड कर देंगे, अब इससे हम डिवाइड करते हैं, 16800, तो यानी ये 9 से जाना चाहिए, 1680 को एक बार 9 से कर लेते हैं, 8 9 ज़ा 72, 6 9 ज़ा 54। देखिए ये मेजरली ना आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपको खुद से कैलकुलेशन करने वाला टॉपिक ज़्यादा है रादर देन मेरा इसमें कोई रोल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज तो जो मैंने आपको बताया वही लगेगा, इट्स मोर कैलकुलेशन जो आपको अपनी खुद से इम्प्रूव करनी पड़ेगी। 8 9 ज़ा 72, 6 9 ज़ा 54 प्लस 7 करेंगे तो 63 एंड ये आ गया 15320, सो ये आपका 9 से जाएगा, फिर पूरा नहीं जाएगा तो 59। देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, ये आपका आएगा 1680 इंटू में आपका 59। 1680 अगर आप 6 से करोगे और फिर उसमें माइनस आप 1680 कर देना, ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। मैं 1680 को अगर 6 से करती हूँ तो 6 8 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36, 40, 6 1 ज़ा 6, 10080 आया, ठीक है। अब इसमें से हमें 1680 निकाल देना है, दे देगा 0 0, इसमें से 6 के बचे 4, ओ सॉरी 3, और ये आया आपका 9, 9300। एक सेकेंड, क्या करा है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ कुछ करके लिख दिया था इसलिए ढंग से नहीं लिखा गया था, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 1680 कर आप 60 से करोगे तो 0 0 6 8 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36, 40 7 6 10, 1 00800 है। अब इसमें से 1680 आप माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, 20199, ये आया 99120, ठीक है, ये आया आपका 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, सो बी विल बी योर आंसर है, ठीक है। आगे,
इफ अ नंबर 454K31MA2 इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के प्लस एम. सेम वे और प्लेस सम माइनस इवन प्लेस सम शुड बी डिविजिबल बाय 0 या 11 है ना. यहाँ पे आया 2M3 और 4. 5 प्लस 4 9 प्लस m आया ठीक है. और दूसरा आया 9 प्लस k प्लस 5 दैट इज 14 प्लस k. अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये 11 या फिर 0 के डिविजिबल में आना चाहिए ठीक है. तो हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू k प्लस m की. यहाँ से आपका k माइनस m कितना आया, ये आपका आएगा अगर हम यहाँ पे 11 लें तो ये देगा 14 माइनस 9 5. 11 में से 5 के बचा 6, तो k माइनस m की वैल्यू तो आपकी 6 आ रही है ठीक है. अब मैक्सिमम वैल्यू k और m की करनी है, यानी सेम वही k ग्रेटर कब होगा, जब m आपका ग्रेटेस्ट होगा. जैसे अगर k को हमने 9 लिया तो m की वैल्यू 3 आई. 8 लेंगे, देखो 2 9 18 18 दो डिजिट्स अगर हैं k और m, 18 से तो सम, एक चीज नोट कर लो, सम ऑफ टू डिजिट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 18. क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट में x और y अगर हैं तो आप मैक्सिमम 9 और 9 ही ले सकते हो, 10 थोड़ा ना लोगे, वो तो फिर अलग हो जाएगा. सिंगुलर में 9 और 9, तो यानी 18 कैन बी द मैक्सिमम सम. तो 23 तो वैसे ही यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है ठीक है. अब यहाँ पे वैसे वैसे वैल्यू लेते जाओगे तो 8 और यहाँ पे आया तो यहाँ पे 2, 10 आया, लेकिन यही मैक्सिमम होगा 9 और 3 में, दैट इज 9 प्लस 3 विल गिव यू 12 एज योर आंसर सी ठीक है. नेक्स्ट, इफ द 5 डिजिट नंबर 672XY डिवाइडेड बाय 3, 7 एंड 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6X प्लस 5Y. ये जो है नंबर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है. 3 × 7 × 11 कितना होता है ये हमेशा याद रखिएगा, ये होता है 231 ठीक है. 77, 7 3 21, 7 3 हाँ ठीक है. अब हमें बताना है कि अब ये 231 से जो है वो डिविजिबल होगा है ना, इज डिविजिबल बाय 672XY. ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. हमें बताना है 6X प्लस 5Y की वैल्यू क्या होगी. लेट करते हैं, नंबर इज 67200 ठीक है. X और Y को हमने 0 से मान लिया, 99 भी मान के कर सकते हो आप ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है. अब इसे हम 231 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ठीक है. एक क्वेश्चन क्या होगा वो देख लेते हैं. 231 3 से करेंगे तो नहीं, 2 से ही जाएगा ये. 2 3 6 2 2 4 ठीक है. 462 को अगर हम 672 से माइनस करेंगे तो आएगा 0 1 2 210 ठीक है. और एक 0 और कैरी करेंगे तो 2100 आएगा. 2100 यानी कि ये जाएगा आपका 9 से, एक सेकेंड, 9 2 9 18 प्लस 3 9 27 2 हाँ ये जाएगा 9 से. 9 3 9 27 2 2 9 18 19 20 2079 2079 अगर हम इसमें से निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 34 ठीक है. अब 34 में एक और 0 340. अब 231 एक से जाएगा 291, यानी जो आपका नंबर है वो 291 से डिविजिबल है. 231 × 291 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ठीक है. 291 × में आपका होगा 231. थोड़े कैलकुलेटिव है फॉर श्योर, ये आपको ट्रेडिशनल ही करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन आ जाएगा मुश्किल से, बट उसी की वजह से पूरी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन स्टिल यू हैव टू नो कि ऐसे कैलकुलेशंस आती हैं आपके पेपर में एंड यू नीड टू बी रेडी फॉर इट. तो ये आएगा 67221 ठीक है. अब यहाँ से हमें पता चल गया x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू यहाँ से आई 1.
हमें बताना है 6x + 5y, यानी 6 × 12 + 5, दैट इज 17 विल बी योर आंसर हेयर ए। आगे चलते हैं। इफ़ द नंबर 87m6203m इज डिविजिबल बाय 6, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। ये डिविजिबल बाय 6 है। डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए क्या होगा? इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? n डिजिट। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए n डिजिट शुड बी आइदर 0, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, ये एक चीज़ फिक्स हो गई। अब सम जो होगा, एंड डिविजिबिलिटी 3 की क्या होती है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो इसका सम कितना आ रहा है? 6 तो 3 से डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है, 7 और 2 9 भी है, तो 8 है। तो 8 + 2m शुड बी डिविजिबल बाय 3, और m की जो पोजीशन है ये हो सकती है इनमें से कोई एक। ठीक है, ये दो चीज़ें फिक्स हैं। अब इसमें कह रहे हैं हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है m की। अगर हम m को 0 लें, ठीक है, पहले उसमें, तो ये 8 देगा, तो जो कि नहीं है डिविजिबिलिटी बाय 3। m को अगर हम 1 लेंगे तो 2 लेंगे तो 2 × 2 = 4, 8 + 4 वो 12 देता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है और 2 का तो है ही। ठीक है, फिर m इक्वल्स टू हम लेंगे यहाँ पे 4, ये अगर 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 16, जो कि नहीं है डिविजिबल। फिर आएगा m इक्वल्स टू 6, 2 × 6 = 12 + 8 = 20, नहीं है डिविजिबल। फिर आएगा m इक्वल्स टू 8, ये आएगा आपका 2 × 8 = 16, 16 और 8 = 24, जो कि 3 से डिविजिबल है। सो हमें पता चल गया m की या तो 2 वैल्यू हो सकती है या फिर 8। ठीक है, तो व्हाट आर दी सम ऑफ दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m? तो यानी 2 × 2 = 4 + 2 × 8 = 16, दैट इज 20 शुड बी सम। ठीक है, या फिर 8 + 2 होगा 10, यही होगा 8 + 2, क्योंकि सिर्फ सिंगुलर m की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक m की 8 आ गई और एक 8 की m की वैल्यू 2 आ गई, तो 8 + 2 = 10 शुड बी योर आंसर हेयर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, CHSL 2020 मैं भी हो गई, लेकिन हाँ मैं आपको बता रही हूँ। एक नंबर है जो कि डिवाइडेड बाई 3 है और रिमाइंडर 2 है, दोबारा जब उसके कोशियंट को डिवाइड करते हम 7 से तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आता है। तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा जब ओरिजिनल नंबर डिवाइड करते हैं हम 21 से। लेट करते हैं नंबर बी एक्स। ठीक है, व्हेन एक्स डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 2 और कोशियंट कितना है आपका क्यू, है ना, +2 ऐसे दे रखा है। फिर आपको कह रहा है कि क्यू से अगर हमने कोशियंट को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तब रिमाइंडर आपका आ रहा है 5। ठीक है, तो देयरफॉर इससे हमें लग रहा है लेट अगर हम क्यू को 5 लेंगे तब भी अगर हम 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो हमारी क्यू की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, अजम्पशन जिस पर चल रहा है ये सारा। ठीक है, सो हमारी अजम्पशन यहाँ से क्या आई, ये आई कि क्यू की वैल्यू हमने 5 ली है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू 5 ली है तो हमारे पास एक्स नंबर कितना आ गया, ये आ गया 2 + 5 = 7 × 3, दैट इज 21। हमारा जो नंबर आ गया एक्स की वैल्यू 21 आ गई। अब हमें बताना है रिमाइंडर 2 आया और जब 7 से डिवाइड किया तब आपका रिमाइंडर 5 आया कोशियंट को। हमें बताना है रिमाइंडर जब ओरिजिनल नंबर को 21 से डिवाइड करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैंने लिख दी गलत। देखिए क्यू अगर 5 है, ठीक है, सो एक्स कितना आएगा, 3 × 5 = 15 + 2। ठीक है, क्योंकि क्यू से तो सिर्फ इतना ही होगा ना, डिविडेंड आपको पता होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट
प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट यानी 3 × 5 15 प्लस रिमाइंडर 2, 15 प्लस 2 दैट इज 17 आपका है एक्स ओरिजिनल नंबर। अब इसको हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं रिमाइंडर जब 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 ही रिमाइंडर आएगा एंड हिंस सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 243 इज। लार्जेस्ट हमें बताना है नंबर सिक्स डिजिट जो कि 243 से डिविजिबल है। 243 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कितना बन रहा है, 6 और 3 9, 9 डिविजिबिलिटी है का फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमें इन ऑप्शंस में देखना है कौन सा वो रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि सम जो होगा वन डिजिट का डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, ये रूल होता है डिविजिबिलिटी बाय 9 का। अब देखते हैं इसमें क्या वो चीज़ फॉलो हो रही है, ये सारा हो रहा है। 4 + 3 7 ये तो नहीं जा रहा, 4 + 7 12 ये भी 9 का नहीं है, 4 + 5 9 और ये बाकी सारे तो 9 है ही, ये है ये जो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा तो ये भी नहीं है। सो क्लियरली ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इज 1850 देन द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज। दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 दे रखा है यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 दे रखी है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इज 1850 यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 1850। हमें बताना है उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस थ्री एक्स वाई। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसको हम वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये आएगा 1850 बराबर आया आपके 5 इंटू में 5 × 5 = 25 प्लस 3xy। ठीक है, ये गया 5 से, तो यह 5 × 3 = 15 35, 7 × 5 = 35 370। अब 370 में से 25 जाएंगे तो ये आपको देगा 345 इक्वल्स टू 3xy। xy की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 × 1 = 3, 1 × 3 = 5 = 15 115। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, तो ये होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। अब एक्स प्लस वाई कितना आएगा यहाँ से, सो एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 5 एंड एक्स प्लस वाई आपका आ गया। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब एक्स प्लस या फिर उसको आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4xy विल ऑल्सो बी इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई की वैल्यू 25 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 5 6, 4 × 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ से आया आपका 485। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 485, तो यहाँ पे आएगा इंटू अंडर रूट में 485 विल बी योर आंसर, डी विल बी योर आंसर है। इफ द नंबर a9257b684 is divisible by 11, then what is the least value of a minus b? Same way, odd minus 6 plus 4, 10, 17, 19 plus a. एक तो आया 19 plus a. दूसरे में क्या आएगा? 8 plus b plus 5 आपका हुआ 13 plus 9 आप करोगे तो 22 + b, ठीक है, 22 + b। अब इनको हम माइनस करेंगे, सो ये 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए।
हमें बतानी है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे आप उसे उल्टा भी करके लिख सकते हो, ठीक है, उससे आज सच कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आएगा आपका 22 प्लस बी माइनस 19 माइनस ए इक्वल्स टू 11। बी माइनस ए आपका आ गया यहाँ से 3, 11 में से 11 प्लस, हाँ 11 में से आपके गए कितना 3 गए, तो ये आया 8। बी माइनस ए 8 है, तो ए माइनस बी कितना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8, डी विल बी योर आंसर। यहाँ पे प्लस 8 और माइनस 8 होता तो कन्फ्यूजन हो जाती। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 59 एंड द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150, देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स। अच्छा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 59 दे रखी है और प्रोडक्ट यानी एक्स वाई की वैल्यू आपको 1150 दे रखी है। हमें बताना है सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें बताना है। सिंपल प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 59 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही निकालना है ना, प्लस 2xy, यानी 2 5 10, 2 1 2 3, 2 3 0 0 आ गया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, 59 का स्क्वायर निकालेंगे तो 60 माइनस 1 का स्क्वायर आप कर सकते हो, है ना, ये आएगा आपका 6 6 36 100, 120 माइनस करेंगे, 2 AB, 2 9 18 और 2 6 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 3600 प्लस 1 3601 माइनस 2 AB यानी 2 6 120, सो ये आएगा 1 8 4 3 3 4 8 1, ठीक है। तो 3 4 8 1 माइनस हम कर रहे हैं यहाँ पे 2 3 0 0, दिस विल गिव अस 8 1 1 1 1 1 8 1, बी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, इफ़ अ 9-digit नंबर 1 2 6 3 4 8 7 XY इज डिविजिबल बाई बोथ 8 and 5, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। ये एक 9-digit नंबर है जो 8 और 5 से डिविजिबल है, यानी वाई की वैल्यू तो पहले 0 या 5 ही हो सकती है फॉर डिविजिबिलिटी बाई 5, है ना, पहली बात तो ये आ गई। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई लेनी है, अच्छा, और फॉर डिविजिबिलिटी बाई 8 लास्ट 3 digits शुड बी डिविजिबल बाय 8, है ना, यानी 7XY शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब लेट करते हैं, अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये देगा हमें 7X0, ठीक है। तो x की वैल्यू हम ऐसे क्या रखेंगे कि जो ये 0 से पूरा हो जाएगा, तो 8 9 72 होता है, तो x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें, तो हमने y की स्मॉलेस्ट ली, अगर y की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 7X5, ठीक है। लेकिन 8 के मल्टीपल में नो एंड बाय 5 होता है, ठीक है, सो देयरफॉर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, c विल बी योर आंसर। इफ द 9-digit नंबर 8 4 7 5 6 3 9 AB इज डिविजिबल बाय 99, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। 99 से डिविजिबल है तो सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, एंड ऑड माइनस इवन प्लेसेस के जो समेशन है डिजिट्स का वो डिविजिबल बाय 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं सम कितना बन रहा है, पहले तो 5 और 4 9 बन रहा है, 3 और 6 9, ये भी 9 कैंसिल, एंड 7 और 8 बचा, है ना, सात और आठ बचा, 2 से 14 15,
तो 15 प्लस ए प्लस बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, ठीक है, ये तो केस वन आ गया। तो ए प्लस बी कितना हो सकता है, ये तो 3 हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 2 6 नहीं, या 3 3 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर इसके बाद आपका आएगा 9 3 9 27, यानी कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर आता है आपका 4 9 36, यानी 21 हो सकता है, लेकिन 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 21 इज़ नॉट पॉसिबल, वाई, क्योंकि ए प्लस बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन योर 18, ठीक है, सो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हट गई और हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी आई, 3 और 12 की। यहाँ से हमें पता चल रहा है क्लियरली ऑप्शन से कि 12 से 12 के जितना ही सम होगा, 3 तो किसी में बन नहीं रहा, सो जिसमें 12 नहीं बन रहा है पहले तो उन्हें कैंसिल आउट कर दो, ये 8 बन रहा है ये नहीं होगा, ये 10 बन रहा है ये नहीं होगा, ये 12 बन रहा है और ये 12 बन रहा है, तो सी और डी में से एक ऑप्शन होगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये देख लेते हैं। सो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए वही समेशन का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो 8 और 7 15 15 और 6 21 21 और 9 30 प्लस भी आया, माइनस करेंगे तो 4 और 5 9 9 और 3 12 12 प्लस ए माइनस 12 माइनस ए, ठीक है, सो यहाँ से आया हमारे पास 0 या 1100 होना चाहिए। और हम देखें 11 बी माइनस ए इक्वल टू आपका 18 18 गया, यानी -7 आ रहा है, 18 ये 18 आया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी ए की वैल्यू 3 लें और बी की वैल्यू 9 लें, तो 9 माइनस 3 कितना दे रहा है, 6, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 6, तो ये बनेगा आपका -13, नॉट डिविजिबल बाय 11। फिर हम लेते हैं ए की वैल्यू, अब लेते हैं हम 4 और बी की वैल्यू लेते हैं 8, 8 माइनस 4 आपको 4 देता है, तो -4 माइनस 7 देंगे तो ये -11 आ रहा है, तो 11 माइनस 11 करो या -11, मतलब इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, सो देयरफॉर दिस विल बी योर आंसर ए, ओ सॉरी डी, ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 8। आगे इफ़ एन इक्वल्स टू 475 ए बी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर हूज टेंस एंड यूनिट डिजिट्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंड इफ एन इज डिविजिबल बाई 5, 8 एंड 9, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ 10 ए प्लस बी। एन इज डिविजिबल बाई 5, 8 एंड 9, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 5, ठीक है, ये फिक्स हो गया। एक और चीज़ फिक्स हो गई, बी की वैल्यू इवन में जा सकती है, हो सकता है आपका 8, 6, 4, 2 एंड 0, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही ले सकता है, 8, 6, 4, 2 नहीं ले सकता, सो ये कंफर्म हो गया, कंफर्म इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कंफर्म्ड है कि बी की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, सो ये 0 हो गया, तो हमें 10 ए की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। अगर बी की वैल्यू 0 है तो हमारे पास नंबर क्या आया, 475 ए 0, ठीक है, अब ए की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये मल्टीपल बाय 9 भी हो एंड 8 भी हो, ठीक है, देखो 4 और 7 4 और 5 9 तो बन ही रहा है, अगर हम ए की वैल्यू 2 लें तो ये क्या 520, इज इट डिविजिबल बाय 8, ये चेक करते हैं, 8 6 48 48 8 5 40, ठीक है, सो ये डिविजिबल है, 2 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 9। उसके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, सो हमें पता चल गया ए की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, सो 10 ए
की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ए विल बी योर आंसर। CHSL का क्वेश्चन था। 6-डिजिट नंबर दे रखा है 537x5 विच इज डिविजिबल बाय 125, देन हाउ मैनी सच 6 डिजिट्स आर देयर। 6-डिजिट नंबर आर देयर, ठीक है, इतने कितने 6-डिजिट नंबर ऐसे हैं जो कि 125 से। अब देखो ये पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी बाय 125, ठीक है। 125 इंटू 1 करेंगे तो ये देगा 125, 125 इंटू 2 करेंगे तो ये देगा 250, 125 इंटू 3 करेंगे तो ये देता है आपको 375, 125 इंटू 4 करेंगे तो ये आपको देगा 400, ओ सॉरी 500, फिर 125 इंटू 5 करेंगे 625, 125 इंटू 6 करेंगे 750, 120, ये आप लिख लो कहीं पे, ये काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इंटू 7 करेंगे तो ये होता है 875, 125 इंटू 8 करेंगे तो ये आपको देगा 1000, ठीक है। उसके बाद फिर से 9 से करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, 125 ही आएगा। अब हमें बताना है लास्ट में तो 5 होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जिसमें 5 नहीं है वो तो हमारे हट गए, यानी ये हट गया और ये हट गया, ये हट गया एंड ये हट गया। सो हमें बताना है 6-डिजिट नंबर कितने हैं ऐसे, तो ये आ गए आपके 1, 2, 3, 4, 4 विल बी योर आंसर है, ठीक है। When 6892-7105 and 7531 are divided by greatest number x, then the remainder in each case is y, then find the value of x minus y. ये तीन numbers हैं जो greatest number x से divide होते हैं, तो हमें remainder बताना है each case में। पहले ये steps होते हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे। step 1 होता है subtract each number from one another, ठीक है। जब आप ये करोगे तो क्या होगा, 7105 माइनस 6892 करेंगे पहले हम, ये हमें देगा 3, वन टू, 213, ठीक है। सिमिलरली जब हम 7531 माइनस करेंगे 7105 तो ये हमें क्या देगा, 4, ओ सॉरी 6, 2, 4। सिमिलरली जब हम 7531 माइनस 6892 करेंगे तो ये क्या देगा, 9, 3, 6। अब ये जो तीनों नंबर्स आए हैं 2, 1, 3, 6, 3, 9 एंड 4, 2, 6, इसका हमारा स्टेप 2 क्या होगा, एक HCF ऑफ रिजल्टेंट। सो इनका एच सी एफ क्या आएगा, ये 213 आ गया इसका एच सी एफ, ठीक है, ये आ गया स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होगा, इसमें हमें बताना है जब ये ग्रेटेस्ट नंबर x से डिवाइड होता है तो हम हर केस में जो है y रिमेंडर आता है, तो हमें x माइनस y की वैल्यू बतानी है। स्टेप 3 होगा डिवाइड एनी ऑफ द नंबर्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं गिवन बाय 213 एंड गेट रिमाइंडर, ठीक है, इससे हमें रिमाइंडर निकालना है। सो हम छोटा ही ले लेते हैं सबसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे एक ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि आप करके भी देख लेना 6892 डिवाइड बाय हम कर रहे हैं 213, ठीक है। सो ये पहले 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3 2 6, 6 3 9 5 50 बचेगा 502। इसे अगर हम 2 से करेंगे
तो ये जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 5 26, 4 26, 4 26 मतलब 74 + 2, 76 इंटू में 2 1 3, मतलब ये रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका 76। ठीक है, अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आपका आ गया एक्स एच सी एफ और ये रिमाइंडर आपका आ गया वाई। सो स्टेप फोर क्या है, जो क्वेश्चन में लिखा है वो करना है, एक्स माइनस वाई कर देना है, यानी 213 माइनस 76 आप करोगे तो ये कितना देगा, 731, 137 बी विल बी योर आंसर है। 18, इफ ए बाई बी इक्वल्स टू 3/4, बी बाई सी इक्वल्स टू 4/5 एंड सी बाई डी इक्वल्स टू 5/6, देन सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विच आर को प्राइम्स ऑफ ए बाई डी की पावर 10 इज। देखो यहाँ पे लिखा गया है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू लिखी हुई है। ए इज टू बी लिखा हुआ है 3:4, बी इज टू सी लिखा हुआ है 4:5 एंड सी इज टू डी लिखा हुआ है 5:6, यानी सब में जो है कॉमन ही बना हुआ है। तो हमारे पास ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो क्या आया एक्चुअल में, ये आ गया आपके पास 3:4:5:6। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें ए बाई डी की पावर 10 निकालना है, तो देयरफॉर ए बाई टी की पावर 10 क्या होगा, ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 6/10। ठीक है, ये आ गया 1/2, क्योंकि 1 की पावर जो भी होगी 1 ही रहेगा। हमें बताना है सम ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर तो 1 है, डिनोमिनेटर 2/10 है। 2/5 कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 × 32 करना है। ठीक है, सो ये 32 × 32 होता है 1024। 1024 प्लस 1 आप करोगे, ये आपको पता होनी चाहिए कैलकुलेशंस। ठीक है, ये आएगा 1025। कॉमन नंबर्स हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको ये, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। सो ए विल बी योर आंसर है। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से स्क्वायर रूट किसका रैशनल नंबर होगा। देखो स्क्वायर रूट के लिए एन डिजिट कैन बी 9, 0, 4, 1 ठीक है, और 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 2 तो हो सकता है, ये 2 भी नहीं हो सकता, 1 सेकेंड, 2 नहीं होगा। ठीक है, ये आ सकते हैं और भी आ सकते हैं, आई थिंक 6 आ सकता है, यस 5 आएगा, यस हाँ। तो इससे यहाँ से पता चल रहा है डायरेक्ट कि डी तो होना ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से एक होगा। एंड एक्चुअल में क्या आएगा स्क्वायर रूट, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन और नंबर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। सो इसका सही आंसर है 1 3 5 4 2 4। ठीक है, दिस विल बी अ रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है कि पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है एंड टर्मिनेटिंग होता है ये। ठीक है, बाकी आप देखोगे ना और नंबर्स वो टर्मिनेटिंग नहीं है, कैलकुलेट करके देखना। 1 3 5 4 2 4 विल बी योर रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर इसमें होगा। आगे, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 and 42 लीव्स द सेम रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। सम ऑफ डिजिट्स बताना है लीस्ट नंबर की, जब 15, 18 और 42 से सेम रिमाइंडर 8 लूज करता है, लीव करता है हर केस में, और 13 से भी डिविजिबल है। टेक एलसीएम, ये तो स्टेप 1 होना चाहिए, टेक एलसीएम ऑफ नंबर्स। ये कितना आ रहा है आपका, 2 9 18, 9 आएगा, 6 7 42, 7 आएगा और 6 यानी 2 आएगा एंड 5 आ गया, 3 5 15 का। ठीक है,
आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ तो 3 × 5 हो गया 18, आपका होगा 3 का स्क्वायर × 2 42 होगा, 2 × 3 × 7। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर 3 × 9 2, 5 एंड 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया, 7 × 9 = 63, 630 विल बी योर एलसीएम। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो है सेम रिमाइंडर 8 लीव करता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो डिजिट्स का क्या सम होगा जब वो नंबर जो है 13 से भी डिविजिबल हो। अच्छा जी, ओके, तो लेट करते हैं वो नंबर क्या है, 630x + 8। ठीक है, ये आ गया स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, फिर आ गया स्टेप 3। ऑल्सो गिवन दैट 630x + 8 ये पूरा डिवाइड बाय 13 होना चाहिए, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 है। सो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं। पहले हम अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या आएगा, 630 + 8 दैट इज 638 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो ये आएगा 13 × 4 = 52, 118, जो कि नहीं है डिविजिबल। तो एक्स इक्वल टू पे लिख, तो एक्स इक्वल्स टू पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 8, क्योंकि 8 भी ऐड करना है यहाँ पे। फिर इसे डिवाइड बाय 13 करेंगे तो ये आएगा 13 × 9 = 117। ठीक है, 117, सो ये कितना गया, 98। सो ये भी आपका नहीं डिविजिबल हो रहा 13 से। अब लेते हैं हम एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो ये आएगा आपका 3 × 3 = 9, 8 ऐड कर दिया मैंने क्योंकि 0 था तो 8 पहले लिख दिया, 3 × 6 = 18, 1898 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो ये आएगा 13 × 1 = 13, 59, 13 × 4 = 52, 78, 13 × 6 = 78, तो ये पूरा डिविजिबल हो रहा है। सो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो देयरफॉर गिवन नंबर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1898। अब हमें बताना है सम ऑफ द डिजिट्स क्या है। 2 9 = 18 + 8, 18 + 8 करेंगे 26 विल बी योर आंसर डी। नेक्स्ट सीपीयू का है ये 2019 का। व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25 डिवाइड द लीस्ट नंबर एक्स, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4 बट एक्स इज डिविजिबल बाय 7, देन व्हाट इज द डिजिट एट दी थाउजेंड्स प्लेस इन एक्स। सेम वही प्रीवियस जो अभी सीपीयू का था उसी का ही पैटर्न का है, सीजीएल 2019 में पूछा गया ये। टेक एलसीएम, ठीक है, हाईएस्ट पावर में यहाँ से आएगा आपका 25, फिर 9 और 16 आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपको देगा फिर 25 × 4 आपका होता है 100 और 4 9 = 36, 3600 जो है एलसीएम आ गया। अब हमें कह रहा है कि रिमाइंडर एच केस में 4 आता है लेकिन वो एक्स से भी डिविजिबल है, तो लेट नंबर बी इक्वल टू 3600x + 4 आ गया। ये हो गया स्टेप 1, फिर ये हो गया 2, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो नंबर है ये आपका 7 से डिविजिबल है, यानी 3600x + 4 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे हम करेंगे हिट एंड ट्रायल के मेथड से कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे हमारी सूटेबल है। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 3604 ये है क्या 7 से डिविजिबल, 7 × 5 = 35, 10 × 7 = 7, 34 नहीं। एक्स की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 7204, अगर हम इसे 7 से करें तो 7 × 1 = 7 = 0, 7 × 2 = 14, 64 नहीं, ये भी नहीं जा रहा, 7 × 9 = 60। एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो
11 है, 3 6 18, 3 3 9 10 804। इसे अगर हम 7 से करें तो 7 7 7, 38, 7 5 35, 30, 7 4 28, 24, 7 3 9। एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो 4 0 4, 4 3 12, 13 14। ये करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 2 14, 0 7 5 35, 54। ये भी नहीं जा रहा। एक्स की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 1 2, 2 8 16, 1 8 04। ये करेंगे तो 7 से 1 8 0 0 4, 7 7 2 14, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, 1 14, 7 2 14। तो ये पूरा जा रहा है, हमें पता चल गई एक्स की वैल्यू यहाँ से आई है 5। सो देयरफॉर नंबर क्या है हमारा, ये है 1 8 0 0 4। अब हमें बताना है इसमें थाउजेंड्स प्लेस है क्या है, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स, यानी 8 विल बी योर आंसर है बी। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन थाउजेंड आर डिविजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट बाई 35। देखो डिविजिबिलिटी बाय टिल नंबर दे रखा है, थाउजेंड तक दे रखा है, लेस देन दे रखा है, पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 2 10 200। माइनस 1 करेंगे क्योंकि 1000 भी 5 से डिविजिबल है तो ये, लेकिन हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो 199 आया। अब आया डिविजिबल बाय 7 के लिए करेंगे तो ये हम सेम वही 1000 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, ये आपको देगा 7 1 7, 30, 7 4 28, 20, 7 2 14, ये आया आपके 142 नंबर्स। अब हमें बताना है डिविजिबल बाय 35, ठीक है, ये आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 35, ये कितना देगा आपको, पहले हम 5 से करेंगे तो ये आएगा 200/7, ये देगा आपको 7 2 14, 16, 7 8 56। सो इससे हमें नहीं निकालना और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, सो 199 प्लस 142 कितना हुआ, ये आपका हुआ 1 4 3, माइनस करेंगे हम 28, ठीक है, या 3 1 3, ए विल बी योर आंसर है। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0.6912 स्क्वायर रूट प्लस 0.5292 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 0.6912 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.5292। देखो इसमें डेसिमल नंबर सेम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में, ठीक है, सो हमने डायरेक्टली हटा सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल ये लिखा है 6912 माइनस 5292 डिवाइडेड बाय 6912 प्लस में माइनस 5292। अब इसमें देखो कॉमन कुछ है जो हम काट सकते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द नंबर फॉर इजी कैलकुलेशन। ये 4 से जा रहे हैं सारे, 4 2 8, 4 3 12, हाँ, क्या ये 3 से जा रहे हैं, ये है, हाँ, ये सारे जो है 7 और 2 9, 7 ये तो 9 से जा रहा है सीधा, है ना, जैसे 3 से 4 3 12, 12 से अगर हम डिवाइड करें दोनों साइड, डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इससे भी हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो 12 से अगर हम करेंगे इसको तो ये आएगा 12 5 65, 41, 12 3 36,
सॉरी 12 5 60 जाएगा, फिर ये आएगा 91, और फिर 91 में होगा ये 12 5 60, 9 आया, फिर 91 12 7 84, 6 72 12 6 72 प्लस में फिर हम करेंगे अंडर रूट 12 से करेंगे, ये जाएगा 12 4 48, 49 आया, 12 4 48, फिर 1 12 1 12, सिमिलरली यहाँ पे आ गया अंडर रूट 5 7 6, ये हमने इसलिए किया जैसे परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकें, इंटू 4 41। ठीक है, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, 441 का स्क्वायर होता है 22 1, सिमिलरली 24 - 21 आ गया, ये आपको देगा 45/3, दैट विल गिव यू 3 1 3 5 15, 15 विल बी योर आंसर है, सी विल बी योर आंसर। आगे, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स द रिमाइंडर इज 8, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, जब 200 को एक्स से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमारा 8 आता है। ठीक है, तो हमें बताना है, मतलब इट विल बी लाइक एन एक्स प्लस 8 आया है। ठीक है, हमें बताना है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, सो देयर फोर एक्स की वैल्यू यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगी, 200 - 8 यानी 192। अगर हम 192 से डिवाइड करते 200 को तो हमें 8 रिमाइंडर मिलता है, तो एक्स की वैल्यू तो 192 आ गई। अब हमें बताना है एक्स की कितनी वैल्यूज ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, 192 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये क्या आएगा, 4 से लेते हैं, 4 4 16, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, प्राइम में हम फिर प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 4 16, 8 4 32, 4 4 1 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, नाउ वैल्यूज ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 8, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है रिमाइंडर 8 आता है, तो 8 से बड़ी होंगी। सो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पहले तो 192 ही आ गया। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 9 18, 2 6 12, 96, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 2 8 16, 48, और 48 × 2, ठीक है, 4 4 16, 4 64 भी आ जाएगा, है ना, एंड ऐसे ही आपका आ जाएगा 4 4 16, 2 32, देन आपका आएगा 12 16, 4 4 16 भी आ जाएगा, 4 4 16, 2 32, 4 4 16, 3 48, 4 4 12, 4 4 48 हो गया, 12 भी आएगा, और क्या आएगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और देखते कोई हो सकता है कि नहीं, और 2 2 4 2 8, 3 24, 24 भी बन सकता है, तो टोटल कितने आ गए, 8 वैल्यूज आ गई। ठीक है, सो सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर, द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10th डिजिट, इफ द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाई 7, देन द रिमाइंडर विल बी, सम ऑफ द डिजिट जो 2 डिजिट नंबर की हैं वो 1/7 ऑफ द नंबर है। लेट करते हैं नंबर 10x + y दे रखा है, लेकिन हमें ये भी बोल रखा है यूनिट डिजिट 4 लेस देन है 10th डिजिट, यानी लेट यूनिट डिजिट बी एक्स। ठीक है, इस लाइन को भूल जाओ, देयरफॉर 10th डिजिट कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी x + 4। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर क्या हो गया 2 डिजिट का, ये आपका आ गया 10x + 4 + x, यानी ये हो गया आपका 11x + 40, ये आ गया 2 डिजिट नंबर। अब इसकी जो डिजिट्स का सम है ये 1/7 है नंबर का, यानी इन दोनों को अगर आप ऐड करें जो कि यही आएगा 11x + 40, ये 1/7 है नंबर का, यानी इट इज़ 1/7 ऑफ
एक्स प्लस फोर प्लस एक्स, ठीक है, ये बनेगा ना आपका 2 डिजिट नंबर। अब वन सेवेंथ यहाँ आएगा, है ना, ठीक है। सो यानी हमें दे रखा है 11x प्लस 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, 2 सेवन 14x प्लस 7 फोर 28। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। हमें बताना है तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या आया, क्वेश्चन से जो हमने सॉल्व किया इससे हमारा 2 डिजिट नंबर आया 4 प्लस 4 8, 84 हमारा नंबर आया। अगर हमने रिवर्स कर दिया तो रिवर्स नंबर कितना आया, ये आएगा आपका 48, और इसको हमने 7 से डिवाइड करा तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। 7 6 42, 42 माइनस 8 यानी 6 रिमाइंडर आएगा जब 7 से डिवाइड होगा। सो देयरफॉर डी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 31, देन वॉट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू एक्स टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फिर से हम टेक करेंगे एलसीएम, बहुत बार कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, है ना, ऑफ नंबर्स। तो ये आएगा आपका 27 इंटू 4 इंटू 3, ओ 3 तो हो गया, इंटू 5, है ना, 2 9 4 5, 27 आ गया 3 और 5, हाँ ये सारे कवर हो गए। ये आया एलसीएम, ये कितना आया 4 5 20, दैट इज़ 540 आपका एलसीएम आया। अब हमें बताना है एक्स जो है लीस्ट, जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें 10 दे रहा है। सो लेट आर नंबर एक्स इक्वल्स टू 540, ए ले लेते हैं, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि एक्स हमें पहले से ही दे रखा है, प्लस 10, ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया। अभी कह रहा है कि ये मल्टीपल है 31 का भी, ठीक है, यानी इसको पूरा 31 से डिवाइड करते हैं। सो देयरफॉर 540 ए प्लस 10 डिवाइड बाय 31, ये पूरा 31 से मल्टीपल होना चाहिए, शुड बी मल्टीपल ऑफ 31। अब यहाँ पे हेड एंड ट्रायल लगाएंगे, ए की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो ये आएगा आपका 550, ये 31 से डिविजिबल नहीं है। ए की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो ये आया 2 4 8, 2 5 10, 10 8 0 1 0 9 0 आया, 1 0 9 0 अगर हम 31 से करें सो ये आपको देगा, ये भी पूरा नहीं जा रहा। अब हम करते हैं ए की वैल्यू 3 लेके, तो 54 इंटू 3 आपका होता है 1620, 1620 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 1630। अगर 1630 को हम डिवाइड करते हैं 31 से तब भी नहीं आ रहा, 4 से देख लेते हैं, जब हम 4 से कर रहे हैं तो ये आएगा 4 4 16, 2160 में 10 करेंगे तो 2170, 31 से करेंगे तो 70 से जा रहे हैं, है ना, 7, हाँ। सो ए की वैल्यू 4, तो नंबर हमारा क्या आया एक्स, ये आया आपका 2170, ठीक है। अब हमें बताना है कि लीस्ट नंबर क्या इसमें ऐड होना चाहिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। देखो 50 का स्क्वायर होता है आपका 5 5 25 2500, और 45 का स्क्वायर होता है 4 5 20 2025, ठीक है। इसमें दिख रहा है कि क्लियरली 45 के नियरर में होगा, तो 46 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 46 का स्क्वायर आपका होता है 2116, हाँ 46 का स्क्वायर होता है 2116, लेकिन ये इससे ज़्यादा है तो हमें 47 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तब उससे जो है हमारा आंसर निकल आएगा। तो 47 होता है आपका 2209। सो इसमें कितना हमें ऐड करना है, ये ऐड होगा आपका
39 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ए विल बी योर आंसर हियर. इफ एक्स इज द रिमाइंडर व्हेन 36128 4 इज डिवाइडेड बाय 5 एंड वाई इज द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइडेड बाय 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई. एक्स रिमाइंडर है जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं. अच्छा, सो एक्स कितना आएगा, ये आएगा 36128 4 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल गिव यू 7 5 ज़ा 35, 11 5 2 ज़ा 10, 1 5 2 ज़ा 10, 28 5 5 ज़ा 25, 34 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई. ठीक है, एंड वाई क्या है, ये रिमाइंडर है जब 496 जो आप डिवाइड करते हो 6 से, तब जो रिमाइंडर आता है. तो 6 8 ज़ा 48 116 6 2 ज़ा 12 4, एक्स और वाई दोनों 4 आए हैं. तो हमें बताना है 2 4 माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी. 2 4 ज़ा 8 8 माइनस 4 आपको 4 देगा, बी विल बी योर आंसर. ये 2 का क्वेश्चन है. इन फाइंडिंग द एच सी एफ और 2 नंबर्स बाई डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द क्वेश्चंस आर 1, 11 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, देन वॉट इज द सम ऑफ द 2 नंबर्स. डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपको 2 रिमाइंडर्स दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 1, 11 और 2, ठीक है, और 17 से शुरू हो रहा है. तो 17 इंटू 1 प्लस 0 करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, 1 यहाँ पे कैसे आएगा, यह आएगा 2, 2, 11 और 1, ठीक है, और 17 हमारा लास्ट डिवाइजर है. 17 × 2 = 34, इंटू 2 करेंगे प्लस 0, दैट इज 34, ठीक है. फिर आपका होगा 34 × 11 प्लस 17, ये आपका आएगा 4 7 3 प्लस 17 अगर आप करोगे, दिस विल गिव अस एज 193, ठीक है. फिर आप करोगे 391 इंटू में 1 प्लस 34, ठीक है. ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 था और ये स्टेप 3 है. तो यहाँ से आएगा 391 प्लस 34 5 2 425. सो 2 नंबर्स हमारे पास आए, 391 और 425. हमें बताना है सम इन दोनों नंबर्स का. तो इन दोनों नंबर्स का सम आएगा 618, 816 सी विल बी योर आंसर हेयर. व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 32. देखो ये क्या है, 127 97, इंडिविजुअली लिख रहे हैं 32 प्लस 97 की पावर 97 डिवाइडेड बाय 32. अगर आप 32 इंटू 4 करते हो तो याद है 2 4 ज़ा 8 3 4 ज़ा 12, और 32 इंटू 3 करते हो तो याद है 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9. अगर हम इसे न्यूमरेटर से कंपेयर करें तो ये 1 कम है और इस वाले केस में ये 1 ज़्यादा है. ये हमें ओवरऑल फिर क्या देगा रिमाइंडर में, -1 की पावर 97 प्लस 1 प्लस 1 की पावर 97. अब माइनस में ऑड की पावर में हमेशा माइनस ही आएगा और प्लस में हमेशा प्लस आएगा. तो -1 प्लस 1 ये कितना हो गया, 0. देयरफॉर 0 विल बी योर रिमाइंडर, डी एज योर आंसर. 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 2001. व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द कोशेंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 41. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्ज नंबर इज. 2 पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो डिफर करते हैं 2001 से, ठीक है. एक एक्स है और एक एक्स प्लस 2001 है. जब लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं हम स्मॉलर नंबर से, जब हम लार्ज को डिवाइड करते हैं स्मॉल से, यानी एक्स प्लस 2001 डिवाइड बाय एक्स लिखते हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है, कोशेंट 9 है और रिमाइंडर 4 है. अच्छा, यानी 9x, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, ये हमें कह रहा है कि एक्स प्लस 2001 ये किसके बराबर है, ये है बराबर आपके 9x प्लस 41 के.
हमें बताने सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्ज नंबर, यानी एक्स प्लस 2001 के जो डिजिट्स आएंगे उसका सम बताना है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 8x आएगा, 41 में यहाँ से माइनस करेंगे ज़ीरो, सिक्स नाइन वन, 1960 आया, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 8 2 16, 36, 8 4 32, 8 5 40, एक्स की वैल्यू आई 245। तो लार्जर नंबर कितना आया, इसमें हमें 2001 ऐड करना है, सो ये देगा आपको 2246। अब इसका सम निकालना है, इसकी सम आ जाएगा डिजिट्स का 14, डी विल बी आवर आंसर। When 2388, 4309 and 8151 are divided by a certain three digit number, the remainder in each case is same. तो remainder क्या है, 4309 को अगर हम 2388 से निकालें तो ये आएगा 1291, ठीक है। सिमिलरली 8151 से करेंगे माइनस 4309 तो ये देगा आपको 243, एंड अगर हम 8151 को माइनस करते हैं 2388 से तो ये कितना देगा, 3675, ठीक है। यहाँ से हमने टेक HCF लिया तो ये आया हमारा 1921 इन तीनों में से, ठीक है। अब हमें बताना है एक सर्टेन थ्री डिजिट नंबर, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, जिससे हम थ्री डिजिट निकाल सके, क्योंकि अभी तो ये हमारा फोर डिजिट का दे रखा है, हमें इसे थ्री डिजिट बनाना है, जिससे जो है रिमाइंडर सेम आएगा ईच केस में, ठीक है। बस हमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर उसका जो है डिवाइड कर देंगे किसी भी एक नंबर से, तो वही हमें सेम नंबर देगा हर वाले डिवीजन के केस में, ठीक है। अब 1921 में देखते हैं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7, 7 टू ज़ा 14, 52 सेवन सेवन ज़ा 49, नहीं ना 7 हो गया, फिर आपके बाद आता है 11, 11 से भी नहीं जा रहा, 13, 13 बन जा 13, 62, 34 52, 101, नहीं 13 से भी नहीं जा रहा, 16, 17, 17 से देख लेते, 17 वन ज़ा 17, 22, 17 वन ज़ा 17, 17 थ्री ज़ा 51, 17 से जा रहा है, ठीक है। सो ये आएगा 17 इंटू ये क्या गया, 17 वन ज़ा 17, 22, 17 वन ज़ा 17, 17 थ्री ज़ा 51, 113 ये अपने आप में प्राइम है, तो 17 इंटू 113 आया, 113 जो है ये ही आपका क्वेश्चन में जो दे रखा है थ्री डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब इससे हमें बस किसी भी एक को डिवाइड कर लो, सेम रिमाइंडर रहेगा। एग्जांपल के लिए हम 8151 से ही डिवाइड कर लेते हैं 113 को, ठीक है। तो ये पूरा आपका जाएगा 72 से, ठीक है। 113 इंटू अगर हम 72 करते हैं ये हमें कितना देगा, 8136। 113 इंटू 72 करेंगे तो ये हमें देगा 8136। अब 8136, 8151 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो ये हमें देगा 5 और एक 15। 15 हर केस में रिमाइंडर आएगा, ठीक है। छोटे वाले से कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए आप। इफ 8 डिजिट नंबर 342x18y6 इज डिविजिबल बाई 72, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में 9x प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। देखो 8y6 दे रखा है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 8, है ना, एंड 9, 72 का 8 इंटू 9 से होगा, तो पहले तो 8 से देख लेते हैं। अगर ये 8 से चला जाता है, ये y बनाया हुआ है हमने, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, y की वैल्यू 1 आ सकती है, 26, 36, 46 नहीं जाता, 8 से 56, 5 से भी जाएगा, 66 नहीं जाता, 76 भी नहीं जाता, 86 भी नहीं जाता, 96 भी जाता है, 9, 8, 2, 16, 9। लार्जेस्ट वैल्यू तो y की हमें पता चल गई क्या होगी, ये होगी 9, ठीक है। अब 9 जब हमने रख दिया और डिविजिबिलिटी बाय
9 देखनी है इसकी, 3, 4, 2x, 6, 8 की, तो ये सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 9, 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 ये भी 9 हो गया, फिर ये आपका बचा 3 और 4, 3 और 4, सॉरी 4 और 2, 4 और 2 आपका कितना होता है 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, 4, 2, 6 और 3 9 हो जाएंगे। अब हमें अंडर रूट में 9 × 3 + 9 करना है, 3 9 = 27, 27 + 9 विल गिव यू 36, दैट इज 6 विल बी योर आंसर हेयर डी। वॉट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 54 लीव द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस एंड इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13। काफ़ी बार कर चुके हैं अब। स्टेप वन आपका हो गया एल सी एम, ठीक है, एल सी एम क्या आएगा यहाँ पे, 8 9 16 आ गया पहले, तो फिर 9 आ गया, 6 9 54 होता है, 27 2 54 होता है, तो 27 आएगा ना। 3 हो गया, 4 हो गया, सब आ गया, ठीक है। 16 × 27 जो है ये आपका एल सी एम आया है, और सेम रिमाइंडर 7 छोड़ता है हर केस में, यानी आपका नंबर क्या हुआ, नंबर विल बी एन, दैट विल बी इक्वल टू 27 × 16 अगर हम करेंगे, 27 × 4 अगर हम करते हैं तो ये कितना देता है, 108, 108 × 4 अगर हम करेंगे तो ये हमें देगा 432, हमारा एल सी एम आएगा, सो दैट विल बी 432x प्लस रिमाइंडर हर केस में कितना जा रहा है, 7 ये आया, लेकिन ऑल्सो ये 13 से पूरा डिविजिबल है, सो ये स्टेप 3 क्या हुआ, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 आपका हुआ कि 432x + 7 डिवाइडेड बाय आप करोगे 13 से, जो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, पहले हम 1 लेते हैं, तो 439 आपका डिविजिबल है क्या 13 से, नहीं, x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये आएगा 864 प्लस आप करोगे 7, ये देगा आपको 871। 871 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, और 871 को अगर हम 13 से करेंगे तो 13 6 78, 91 67, ओके, तो ये जा रहा है, सो देयरफॉर नंबर इज 871। अब इसकी सम बताएंगे तो 2 8 16 विल बी योर आंसर बी। द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 10,000 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 320। देखो 327 को अगर हम 30 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3 7 21, 3 2 6 7 8, 3 3 9 9 8 10। अब इसमें हम 327 फिर से ऐड करेंगे तो ये हमें 10,000 के नियरेस्ट दे देगा, 7 3 1 0 1 0 1 3 7 जो है नियरेस्ट टू 10,000 है, जो कि डिविजिबल बाय 327 है। तो हमने कितना ऐड किया, बेसिकली हमने 137 ऐड किया है इसमें, सो सी विल बी योर आंसर है। द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 3, 0 एंड 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज, ओनली वंस यूज करना है हर डिजिट को, ठीक है। पहली बात तो ये 3 डिजिट नंबर बताना है, यानी 0 आपका सबसे पहले नहीं आएगा, अगर 0 सबसे आगे आ गया तो आपकी 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो 0 यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, बस, और इधर नहीं आ सकता, बस। अब केस ये बन गया, तो अब हम दूसरे केस से निकाले थे, अगर हम पहले 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 7 पे फिक्स किया तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, यहाँ 7 फिक्स है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, यही 4 केसेस आपके बनेंगे। अब इनको सम निकाल लेते हैं, 0 1 10 10 21 2 1 1 0 डी विल बी योर आंसर है, ठीक है। सो यही था हमारा आज का सेशन, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा,
और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट आती रहती है, हर चीज़ की एक वीडियो आती रहती है, जैसे कि आपका हो गया मैथ्स में बेस्ट क्वेश्चन जो चल ही रहे सीरीज, उसका लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट का। फिर उसके अलावा आपकी पेड मॉक टेस्ट हैं ऑलिव बोर्ड के, अगर आपने नहीं खरीदे हुए तो आप डायरेक्टली मेरे प्लेलिस्ट में जाके पूरे मॉक टेस्ट आप देख सकते हो। अभी तक आई थिंक 13 या 14 मॉक्स अपलोड हो चुके हैं वहाँ पे, सीक्वेंस वाइज हुए, ठीक है। एंड जीके भी हो रही है, हमारे हिस्ट्री पूरी कवर हो चुकी है, मिडिवल छोड़ दिया है, अब नेक्स्ट सेशन में हम साइंस भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अगले सेशन में, टेक केयर, बाय।